हाँ जी बेटा, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, टूडेज टॉपिक इज अली मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1958. ऑल्दो दिस टॉपिक कम्स अंडर सिलेबस ऑफ 9C, लेकिन मैं इसलिए आपको इसके टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ, सो आई कैन गिव यू अ रिव्यू ऑफ प्रीवियस टॉपिक. देन वी विल स्टार्ट क्लास 10th सिलेबस, और जो उसका टॉपिक होगा वो जनरल अयूब खान का टॉपिक होगा, विच स्टार्ट फ्रॉम 1958. लेकिन ये जो 10 ईयर्स का टाइम पीरियड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर हिस्ट्री, क्योंकि इसको इसकी वजह से देयर वॉज पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान. इसलिए हम ये देखते हैं सबसे पहले कि प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड फेस्ड बाय पाकिस्तान. प्रॉब्लम नंबर वन वॉज नो कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? एज यू ऑल नो दैट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इम्पोज्ड इन 1956. तो 1956, इसका मतलब अगर इफ वी काउंट 1947 टिल 1956, तो टोटल 9 ईयर्स टाइम पीरियड वी डोंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल्दो वी अमेंड 1935 एक्ट एंड देन यूज इट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन क्योंकि उसका सेटअप जो था वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश सिस्टम था, इसकी वजह से हमें बहुत से प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने पड़े, जिसको यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपके लिए कंपाइल किया है कि बाय द मिड 1950s पाकिस्तान स्टिल डिड नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. इन द एब्सेंस ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ गवर्नमेंट बिकेम इंक्रीजिंगली सेंट्रलाइज्ड. इसका मतलब ये है कि जो मेनली जो पावर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो बेसिक प्रायोरिटी है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और 35 का जो इंडियन एक्ट है वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की ही यहाँ पर बात करता है, क्योंकि ब्रिटिश डोंट वांट टू शेयर पावर्स विद द लोकल नेटिव्स. इसलिए हमें ये प्रॉब्लम जो है ये फेस करना पड़ा अंटिल वी इम्पोज्ड आर कॉन्स्टिट्यूशन. दिस हैड स्टार्टेड विद कायदे आजम, who had established a strong concentration of power, and that was the need of the hour. उस वक्त क्योंकि कायदे आजम का रोल जो है वो आपको मेन रोल नजर आता है पॉलिटिक्स के अंदर, सो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वॉज विद मोहम्मद अली जिना. और ज्यादा पावर्स की वजह से क्या हुआ कि आफ्टर हिज डेथ द प्रॉब्लम स्टार्टेड, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, according to democratic system this was not favorable for parliamentary system. iske sath hi hum ye bhi hame sath hi nazar aata hai jisne jo bahut hi next problem ki taraf hame lekar jata hai wo hai hamara confused and fractious politics. yani politics in pakistan remained confused in 1950s. Between 1955 to 58, yani during 3 years time periods, there were 5 prime ministers. इसका मतलब frequent changes in prime minister. और ये क्यों frequent changes हमें नजर आती हैं? इसलिए कि there was a rift between prime minister and governor general. क्योंकि इस वक्त जो हमारा system, political system नजर आ रहा है, वो एक combination नजर आ रहा था उस वक्त. जो हमारा 1935 का एक्ट है और पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उन दोनों को आपस में मिक्स मर्ज कर दिया गया था, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी. तो गवर्नर जनरल जो है वो अपने पावर्स को यूज करते हुए, यूज के साथ बल्कि मैं वर्ड यूज मिस यूज करते हुए, ही डिस्टर्ब द पॉलिटिकल सिस्टम. दैट इज व्हाई ही रिमूव्ड प्राइम मिनिस्टर्स फ्रीक्वेंटली. और ये जो 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ रिलेट भी करेंगे. सो इन स्पाइट ऑफ आर्गुमेंट्स ओवर इलेक्टोरेट एंड इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, देयर हैड नॉट एक्चुअली बीन इलेक्शंस फॉर द असेंबली सिंस इंडिपेंडेंस. सो डिले ऑफ इलेक्शंस जो है उसकी वजह से भी हमें ये कंफ्यूज सिस्टम जो है वो नजर आता है. इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं ग्रोइंग डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो
स्टेबल ना हो, यानी वीक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो देयर मस्ट बी रीजनल इटोनमी का जो स्लोगन है वो रेज होता है. सो ग्रोइंग डिमांड इन वेस्ट पाकिस्तान, देयर वर ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ रीजनल इटोनमी. ईस्ट पाकिस्तान वॉज इंक्रीजिंगली रिसेंटफुल. यहाँ हमें एक और प्रॉब्लम भी नजर आता है, यानी ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान रिफ्ट. बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान हैड 55% ऑफ पॉपुलेशन, जो कि अब प्रेजेंटली बांग्लादेश बन चुका है, वाइल इन वेस्ट पाकिस्तान, जो हमारा प्रेजेंट पाकिस्तान है, वो उसकी पॉपुलेशन रेशियो जो थी वो 45% थी. इसलिए हमें नजर आता है कि जो ईस्ट पाकिस्तान है, दे हैड फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि उनके रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट होते हैं, जबकि मेजॉरिटी तो उनकी है, इसलिए उनको मेजर शेयर मिलना चाहिए. इसी यही रिफ्ट जो है, इट लेड टुवर्ड्स द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो मैंने ये नंबर 4 के ऊपर आपके लिए लिस्ट किया है. पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है अंडरमाइंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल, क्योंकि कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट जो है वो आप स्टार्ट नहीं कर सकते अगर इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम इन योर कंट्री. अब ये जो प्रॉब्लम है, इसने इट आल्सो इफेक्टेड आवर एक्सटर्नल रिलेशंस एज वेल, क्योंकि उस वक्त जो हमारे मेन एलाइज थे, जैसे कि ब्रिटेन एंड यूएसए, दे नीडेड अ स्टेबल एलाय, जो पाकिस्तान की सूरत में उनको चाहिए था, एंड दे वांटेड दैट द रिफ्ट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट विंग शुड बी रिमूव्ड और यहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट हो. और वो ऐसा इसलिए भी चाहते थे बिकॉज दिस वॉज अ फेज ऑफ कोल्ड वॉर इन एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि उस वक्त यूएसएसआर इन चाइना जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी ये जो थे बिग एलाय थे और इनको काउंटर करने के लिए वेस्टर्न जो वर्ल्ड थी वो इनको काउंटर करना चाह रही थी. और पाकिस्तान चूंकि प्रो अमेरिकन था, इसलिए अमेरिका को और ब्रिटेन को बहुत ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि यहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट को सेव करे. इसके साथ अगर हम इसका एनालिसिस देखें, यानी इस पूरे टाइम पीरियड का 10 years का, तो हमें ये चीज नजर आती है कि in the end some people took the view that effective government was more important than democratic ideals. यानी शुरू में जब पाकिस्तान बना तो तब तो हम सबने ये स्लोगन लगाया कि हमारी डेमोक्रेटिक स्टेट होनी चाहिए, लेकिन आफ्टर पासिंग 10 years जब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो हमने ये सोचना शुरू किया कि वी नीड इफेक्टिव गवर्नमेंट. यानी अगर अनदर व्यू वाज दैट इफ डेमोक्रेसी कुड नॉट बी मेड टू वर्क, कि अगर तो डेमोक्रेसी अच्छा काम नहीं कर रही तो हमें क्या चाहिए, हमें एक डिसिप्लिन सिस्टम चाहिए, और इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मार्शल लॉ, क्योंकि सबसे ऑर्गेनाइज्ड जो इंस्टीट्यूशन है वो आर्मी का इंस्टीट्यूशन है. सो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन्ड गवर्नमेंट इन पाकिस्तान. तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो मैं आपसे दोबारा से यहाँ शेयर करती हूँ कि ये जो 47 to 58 का टाइम पीरियड है, और जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, confused and factious politics, growing demand for regional autonomy, and economic problems. So in sub problems ne milkar ground prepare ki for imposition of first martial law. Right beta? Ab is 10 years ke time period ke hawale se jo aapse exam question pucha jata hai wo main aapke sath share kar rahi hu. आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू पाकिस्तान्स डोमेस्टिक पॉलिसीज. राइट बेटा, यानी नंबर 1 लियाकत अली खान, नंबर 2 स्लैश लगा के यहाँ मैंने ये लिखा है ख्वाजा नाजिमुद्दीन, क्योंकि समटाइम्स एग्जामिनर यूज लियाकत अली खान एज अ प्रोमिनेंट फिगर or replace it with Khwaja Nazimuddin. So I have discussed all 4 here
सो यू मस्ट बी एबल टू अटेम्प्ट एग्जाम क्वेश्चंस. लेकिन एग्जाम में आप मिस जी बेटा मिस डू हैव टू कॉपी दिस. यस मैं इसको आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी, इसलिए प्लीज आप बेटा अभी गौर से सुनो मेरी बात ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सको. ठीक है. और नंबर टू के ऊपर जी प्लीज लिसन केयरफुली, मैं इसको अपलोड कर दूंगी और आप वहां से जाकर अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको देख सकेंगे. नंबर टू मलिक गुलाम मोहम्मद एंड नंबर थ्री जनरल मोहम्मद इस्कंदर मिर्जा. बिफोर आई डिस्कस देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं इसके इन पर्सनैलिटीज के हवाले से जरा थोड़ा सा आपको इससे हटकर थोड़ी इंफॉर्मेशन भी दे दूं कि 1948 से 1958 के दरमियान हमने जो अपना गवर्नमेंट सेटअप बनाया उसके अकॉर्डिंगली गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स, ये तीन हमारे मेन ऑफिसेस थे. जब तक हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया था तब तक हमारे पास गवर्नर जनरल का भी ऑफिस था और गवर्नर जनरल का जो ऑफिस था ही वॉज द सुप्रीम फिगर, यानी उनके पास गवर्नर जनरल के पास जो सबसे ज्यादा पावर्स थी वो गवर्नर जनरल के पास थी. उसके साथ साथ हमने प्राइम मिनिस्टर यानी उस जो सेकंड ऑफिस था प्राइम मिनिस्टर का उसको भी पैरेलल उनके साथ शामिल किया अपने सिस्टम के अंदर. ये मैं बात कर रही हूँ बिफोर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन. जब हमने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तो फिर उसके बाद हमने वी रिमूव्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल और हमने जो दो ऑफिस रखे वो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, दो ऑफिसेस को हमने अडॉप्ट किया. गवर्नर जनरल का ऑफिस हमने खत्म कर दिया बिकॉज ये वाली जो ऑफिस था ये ब्रिटिश टाइम के अंदर यूज होता था और हमने सिर्फ इसको अडॉप्ट किया था क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और हम 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड करके अडॉप्ट कर रहे थे, इसलिए हमने इस ऑफिस को अडॉप्ट किया हुआ था. राइट. लेकिन ये याद रखिए कि 1956 तक हमने हमारे जो फोर गवर्नर जनरल हैं वो अपॉइंट हुए. हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो मोहम्मद अली जिना यानी कायदे आजम थे. सेकंड हमारे गवर्नर जनरल जो थे वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे. थर्ड गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद और फोर्थ गवर्नर जनरल जो थे इस्कंदर मिर्जा थे. ठीक है. लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है इस्कंदर मिर्जा का वो 1955 से 1956 तक है एज अ गवर्नर जनरल. 56 में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का, चूंकि ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम तो उसके अंदर इस्कंदर मिर्जा का जो रोल था वो चेंज हो गया, यानी नाउ ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास ही इज नोन एज द फोर्थ गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज वेल. राइट. अब हम इसके साथ साथ हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इन जो मैंने आपको फोर फिगर यहाँ पर लिस्ट की हैं इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसीज के अंदर. अब इसके अलावा इन फोर फिगर के अलावा और बहुत से फिगर्स भी शामिल होते हैं जो कि जिन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान पर रूल किया, लेकिन यहाँ फोर फिगर जो है इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इनको 14 मार्क क्वेश्चन जो है आपको इसके साथ इसका हिस्सा बनाया और मैं अब आपके साथ डिस्कस कर. तो सबसे पहले मैं ख्वाजा नाजिमुद्दीन के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करती हूँ. यहाँ पर देखिए कि आफ्टर द डेथ ऑफ कायदे आजम द चीफ मिनिस्टर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड मुस्लिम लीग ख्वाजा नाजिमुद्दीन वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. राइट. ख्वाजा नाजिमुद्दीन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वो ही वॉज अ पॉलिटिशियन बट हैड अ वेरी सिंपल नेचर. ठीक है. लेकिन यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है वो किसकी वजह से हुई है, वो क्रिएट हुई है रिफ्ट जो दरमियान में पैदा हुई, यानी
गवर्नर जनरल के दरमियान में और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में. यानी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ही वॉज शेयरिंग हिज पावर विद लियाकत अली खान जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और साथ ही साथ तमीजुद्दीन जो कि स्पीकर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. क्योंकि उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट काम जो पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पूरा था वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम था, इसलिए स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी एक इम्पोर्टेंट फिगर थे इस टाइम के अंदर. आफ्टर द डेथ ऑफ लियाकत अली खान ही वॉज अपॉइंटेड एज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. यानी अब यहाँ पर ख्वाजा नाजिमुद्दीन का रोल चेंज हो गया है. पहले वो क्या थे, वो गवर्नर जनरल, सेकेंड गवर्नर जनरल बने, अब वो सेकेंड प्राइम मिनिस्टर बने. और गवर्नर जनरल का रोल किसको मिला, गवर्नर जनरल का रोल मिला मलिक गुलाम मोहम्मद को. ठीक है, अब मलिक गुलाम मोहम्मद कौन है, he was not a politician, he was a bureaucrat. So यहां से अब तुम देखो कि जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू होती है. क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोग जो हैं वो पैरेलल काम कर रहे हैं. एक तो जो काम कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर जी बेटा, ब्यूरोक्रेट कौन होता है, ब्यूरोक्रेट कौन होता है, ठीक है मैं बताती हूँ. ब्यूरोक्रेट का मतलब है जो सीएसपी ऑफिसर है. सीएसपी ऑफिसर का तो पता ही होगा, यानी वो जो कंपेटिटिव एग्जाम देते हैं, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के एग्जाम्स के बारे में आपको पता होगा. तो ये क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं. यानी जो कंपेटिटिव एग्जाम देकर मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज यानी हेड बनते हैं. जैसे कि अगर आप देखें तो हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी, ठीक है, एजुकेशन सेक्रेटरी जो होगा वो कौन होगा, वो सीएसपी ऑफिसर होगा. कंपेटिटिव एग्जाम देने के बाद वो अपनी सीट के ऊपर आता है. सो वो पॉलिटिकल मेंबर नहीं होता, पॉलिटिशियन नहीं होता, बल्कि वो कौन होते हैं, वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, राइट. इसलिए हम उसको, उनको कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, जो ब्यूरोक्रेसी को रन करते हैं. यानी सारी पॉलिसीज जो है उनको बनाते भी हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, क्योंकि ये लोग स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं. ठीक है, ओके जी. अब इसमें, अब यहाँ पर रिफ्ट क्यों स्टार्ट हुई है, क्योंकि तुम देखो मलिक गुलाम मोहम्मद का बैकग्राउंड जो है वो ब्यूरोक्रेसी का है, ब्यूरोक्रेट है वो. जबकि अगर आप यहाँ देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है वो किसका रोल है, वो इस वक्त मलिक गुलाम मोहम्मद का रोल है, जो कि एक पॉलिटिशियन है. पॉलिटिशियन और अब ब्यूरोक्रेट के दरमियान पैरेलल वो शेयर कभी भी नहीं कर पाते. क्यों, क्योंकि दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू और दोनों का प्लान ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है. इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो 10 साल का टाइम पीरियड है इसमें हमें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आती है वो इसी वजह से नजर आती है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट हैं वो दे हैड स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द गवर्नमेंट. और जब भी पॉलिटिशियन कोशिश करते हैं अपना रोल प्ले करने की तो वो क्या चाहते हैं कि वो अंडर, ऑलवेज दे वांटेड दैट दे मस्ट बी अंडर देयर कंट्रोल. अब इसको एक और चीज भी मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगी कि उनके मलिक गुलाम मोहम्मद, सॉरी ख्वाजा नाजिमुद्दीन के टाइम पीरियड के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट काम हुआ वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है. यानी 12 मार्च 1949 के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है बेसिकली, जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज अ रेजोल्यूशन और principles to frame the constitution. क्योंकि constitution making का काम इस वक्त हो रहा था तो एक resolution पास की गई कि ये सारे जो points हैं इस resolution के accordingly, ये points जो हैं इसके पर बेस करते हुए हम constitution बनाएंगे. अब इसको बिल्कुल आप समझ सकते हैं जैसे कि हर बुक का एक प्रीएम्बल होता है, ठीक है, एक कंटेंट होता है.
तो आपको पता चलता है कि बुक के अंदर ये टॉपिक जो है ये चैप्टर शामिल होंगे। बिल्कुल ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रीएम्बल शामिल किया गया है कि जो हमारी जुडिशरी है उसका क्या रोल होगा। इसी तरह हम अपनी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको हम किस तरह से लिबरेट करेंगे। सो डिफरेंट हमारे गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक बहुत बड़ा यानी मेजर स्टेप था कि हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कर लिया और इसी गाइडलाइन को हमने यूज किया अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इसकी इम्पोर्टेंस रेजोल्यूशन की ये भी है कि अभी तक हमने जो तीन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज यूज्ड एज अ प्रीएम्बल ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस। इसके साथ हम देखते हैं कि ड्यूरिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन टेंशन इंक्रीज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट विंग। ही रिपीटेड कायद commitment that Urdu would be Pakistan's national language and Bengalis protested against it. But in the end, Nazimuddin was dismissed in April 1953 by Governor General Malik Ghulam Muhammad. Ab Khwaja Nazimuddin, chunke East Pakistan se belong karte the, to unki jo dismissal hai, wo bhi basically is rift ki wo aur increase karne ka ek factor bani. क्योंकि जाहिर है जो रिसेंटमेंट थी इस पाकिस्तान में वो और ज्यादा बढ़ने लगी क्योंकि उनको ये जाहिर है कि एक बहुत ज्यादा उन्होंने फील किया कि हमारे लीडर का टेन्योर जो है ये मुकम्मल नहीं होने दिया इन्होंने जो कि मलिक गुलाम मोहम्मद थे एंड ही बिलोंग्स टू वेस्ट पाकिस्तान। इसीलिए हम देखते हैं कि ये सारी बातें जो है ये सारे फैक्टर्स जो है ये एड होते गए और जो रिजेंटमेंट है वो एंड हुई कहां पर सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वो बात का टॉपिक है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं नंबर टू के ऊपर आपसे डिस्कस करती हूँ यानी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लियाकत अली खान। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि लियाकत अली खान जो है ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इनका जो टाइम पीरियड है 47 टू 51 है यानी ये भी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड है लेकिन इसके दरमियान में उन्होंने जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ। ये तो आप सबको पता होगा कि रावलपिंडी में उनको असैसिनेट कर दिया गया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चूंकि लियाकत अली खान बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं जिन्ना के इम्पोर्टेंट कंपेनियंस के अंदर शामिल होते हैं तो आफ्टर द डेथ ऑफ जिन्ना द एंटायर बल्क ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजिंग अ न्यूली क्रिएटेड स्टेट ऑफ पाकिस्तान उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि उनका रोल हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट नजर आता है और वॉट ही डिड ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स उसमें सबसे पहले ही ट्राई टू सेटल द एक्सेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स जिसके अंदर कश्मीर जूनागढ़ और हैदराबाद शामिल होता है। फिर इसके साथ ही आल्सो सेटल्ड रेफ्यूजी प्रॉब्लम यानी यहाँ जो मैंने लिखा है कि लियाकत नेहरू पैक्ट के थ्रू उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था जो कि उस वक्त अर्ली टाइम पीरियड के अंदर एक दिस वॉज अ बिग प्रॉब्लम। इसके साथ ही साथ हमारे कुछ बॉर्डर इशूज भी It also tackled the external position as well कि इंडिया तो था ही तो hostile attitude of इंडिया तो हमें नजर आ ही रहा है मगर इसके साथ साथ ही अफगानिस्तान का problem भी erupt हुआ जिसके अंदर हम देखते हैं कि अफगानिस्तान demanding that NWFP is a part of अफगानिस्तान तो उन्होंने इस problem को भी उस time के अंदर resolve किया। इसके साथ ही एक्सटेंडेड एक्सटर्नल रिलेशंस विद द फॉरेन कंट्रीज और उस ही मेंटेन्ड रिलेशंस विद द इस्लामिक कंट्रीज दैट इज व्हाई ही विजिटेड ईरान इराक इजिप्ट एंड सीरिया। इसके साथ हमें एक और चीज भी नजर आती है कि ही अडॉप्टेड द प्रो अमेरिकन पॉलिसी ठीक है यानी 1950 के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास भी got invitation from the USSR as well but Pakistan accepted USA
So that is why Pakistan in the camp of in the American camp, जिसको हम देखते हैं कि बाद के time period के अंदर हमने इसकी वजह से हमें कोई फायदा नहीं हुआ. So this was not a wise decision of Liaquat Ali Khan. इसके बाद हम third personality का role देख लेते हैं. साहब की आवाज़ बहुत ज़्यादा lag हो रही है. जी बेटा वो थोड़ा lag कर रहा है. मैं उसकी recording के अंदर आपको फिर clear हो जाएगा. थोड़ा net का issue आ रहा है. Malik Ghulam Muhammad was the third Governor General of Pakistan. In his time, ke under there was a food crisis and Qadiani issue. Question की आवाज कट कट के आ रही है. जी Qadiani issue. ये सबके आवाज में तैयार है. Qadiani issue के अंदर हम अगर हम यहाँ पे ये देखें तो he dismissed Khwaja Nazimuddin and appointed Muhammad Ali Bogra as Prime Minister. Right, beta. कादियानी इश्यूज जो है उसको इट वाज रिजॉल्व्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन बाय जुल्फिकार अली भुट्टो. और इस इशू के अंदर जो हमारा बेसिक बिलीफ है यानी लास्ट प्रॉफिटहुड ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस इशू के ऊपर कादियानीज वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स. सो दिस इशू वॉज इरप्टेड ड्यूरिंग मलिक गुलाम मोहम्मद टाइम पीरियड एज वेल. अब इसमें जो एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर उनकी इम्पोर्टेंस आती है वो ये है कि उन्होंने ही साइंड सेंटो एंड सीटो पैक्ट. इसके थ्रू बेसिकली ये दो जो ट्रीटी हैं ये कैपिटलिस्ट ग्रुप जो है उनके साथ हमने इसको साइन किया. और इनका बेसिक पर्पस टू काउंटर द कम्युनिज्म इन दिस एरा इन दिस रीजन. अब यहाँ पर हमें ये भी नजर आता है कि he was also successful to recognize the Durand line, ठीक है. और सीटो कंट्रीज ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया. 1954 के अंदर ही नेशनल एंथम वॉज अप्रूव्ड. दिस वॉज ऑल्सो अ बिग अचीवमेंट. सो यहाँ पर मलिक गुलाम मोहम्मद एंड अब जो हम पढ़ेंगे वो इस्कंदर मिर्जा का है. सो बोथ ब्यूरोक्रेट डिस्टर्ब द पॉलिटिकल सिस्टम. और इसमें इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो हमें नजर आता है. और दे ऑल्सो वीकेंड द होल्ड ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एज वेल. अब इस्कंदर मिर्जा वॉज द फोर्थ गवर्नर जनरल. 1956 के अंदर आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ही टुक ओवर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. राइट. लेकिन उनका बेसिक जो बिलीफ है वो हमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि ही वांटेड अ रूल एज अ डिक्टेटर. इन हिज व्यूज पॉलिटिशियंस रिप्रेजेंटेड सेक्शनल इंटरेस्ट and were therefore always quarreling with one another. The inclusion in the cabinet in 1954 of General Ayub Khan was further evidence of influence of non-politicians on the government of Pakistan. अब यहाँ पर चूंकि उनके views में हमें चीज जो नजर आ रही है वो उसमें हमें नजर आता है कि he was not believing the capabilities of politicians. इसलिए उन्होंने non politicians को अपनी cabinet का हिस्सा बनाया और General Ayub Khan भी उनमें शामिल थे. Muhammad Ali Prime Minister 1955-6 was an other civil servant with no political experience. यानी उन्होंने जो Prime Minister भी बनाया after the removal of previous one, वो भी bureaucrat बनाए. इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्यूरोक्रेसी का रोल जो है वो हमारे स्ट्रॉन्ग होता गया. इसीलिए 1951 से 58 के दरमियान का जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली गवर्नमेंट बाय ब्यूरोक्रेट्स का कहलाया जाता है. इसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से हम देखते हैं कि जो फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज किया गया वो इस्कंदर मिर्जा ने इन्वाइट किया जनरल अयूब खान को टू इम्पोज द फर्स्ट मार्शल लॉ. General Ayub Khan was commander in chief, yani CNC of the army. Commander in chief का जो post है वो अब खत्म हो गई है और इसको replace किया हुआ है army chief, ठीक है. इसको हम presently कहते हैं army chief of army.
और यहाँ पर कमांडर इन चीफ का वर्ड्स यूज किया जाता था। इसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इस फोर फिगर को देखने के बाद हम देखते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें फिगर नजर आता है वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन का नजर आता है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ही गेव द बेसिस ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अंडर द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। यानी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ही ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को फ्रेम किया था, इसलिए हम कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट वो जो है वो हमें नजर आता है ख्वाजा नाजिमुद्दीन का। इस तरीके से हमने ये जो फोर पर्सनालिटीज हैं इम्पोर्टेंट, इनके रोल को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगी, क्लास 10 का टॉपिक होगा और वो जनरल अयूब खान का टॉपिक होगा, जो मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगी।